बिटना रोड के बीआर अंबेडकर भवन के हॉल में शोक सभा में पहुंचे कालका विधायक प्रदीप चौधरी, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता रंजीत उप्पल। बिटना रोड पिंजौर में बीआर अंबेडकर भवन हॉल में मंगलवार को शोक सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें कालका हलके से कांग्रेस विधायक प्रदीप चौधरी, आम आदमी पार्टी से वरिष्ठ नेता एवं समाज सेवी रंजीत उप्पल ने सभा में शिरकत की। अपने प्रवचनों द्वारा उनके लिए शांति प्रार्थना करने के लिए पास्टर साहिबान जी उपस्थित आदर सत्कार के योग में माताओं बहनों भाइयों बुजुर्गों साथियों और परिवार के सभी शोक संतप्त साथियों, आज हम सभी जॉन सैमुअल जी जो हमारे जॉन सैमुअल जी के बेटे, हमारे सहबाब जी के भाई, मुनस के भाई, परिवार के अन्य रंजना जी जो उनकी धर्मपत्नी है, उनकी बेटियाँ भतीजे, वो सभी यहाँ उपस्थित हैं। आज हम सभी जानते हैं कि जीवन और मरण इस सृष्टि का एक अटूट नियम है। परमात्मा के नियम और निर्णय अनुसार हम सभी प्राणी इस संसार में आते हैं और उस प्रभु की इच्छा अनुसार हम अपने परिवारों के प्रति, समाज के प्रति अपनी भूमिका निभा कर और उसकी इच्छा अनुसार, प्रभु की इच्छा अनुसार इस संसार से निकल। कुदरती तौर पर भी जब कोई इंसान जाता है तब तो होना स्वाभाविक है, लेकिन जो समय से पहले जब कोई प्राणी इस संसार से, अपने परिवार से, समाज से बिछड़ता है, ज्यादा तो होना परिवार के सदस्यों के साथ साथ परिवार से जुड़े लोगों के साथ हम जैसे लोगों के लिए बहुत दुख भरी घटना हो जाती है। कालका पिंजौर और पंचकुला के वरिष्ठ पत्रकार शहबाब सैमुअल और यूनस सैमुअल के छोटे भाई जॉन सैमुअल की याद में एक शोक सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें ऑल क्रिश्चियन कम्युनिटी कालका पिंजौर परमाणु बद्दी की टीम और प्रधान जॉर्ज सैमुअल, सीनियर सिटीजन एसोसिएशन पिंजौर के प्रधान लाल सिंह, एस के शर्मा, यादवेंद्र सिंह उदासी, कालका पिंजौर के समाज सेवी हर्ष कुमार चड्ढा, कांग्रेस पिंजौर ब्लॉक पूर्व प्रधान नरेशमान, नोबल हाई स्कूल पिंजौर के प्रिंसिपल सुनील कौशल, समाज सेवी आज़ाद स्वामी, हरियाणा रोडवेज बस डिपो कालका के रिटायर्ड ट्रैफिक मैनेजर एम आर फारूकी, पूर्व पार्षद कृष्णा शर्मा, व्हाइट हाउस पिंजौर के एमडी एवं समाज सेवी संतराम शर्मा, समाज सेवी कुलवंत गिल, हरियाणा वेलफेयर काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष आरसी शर्मा, आम आदमी पार्टी महिला वरिष्ठ नेत्री पूनम शुक्ला समेत अन्य, पंचकुला प्रेस क्लब की टीम, अध्यक्ष रुपेंद्र त्रिवेदी और कालका पिंजौर पंचकुला चंडीगढ़ जगाधरी शिमला पंजाब के अलावा अन्य राज्यों से भी भारी संख्या में गणमान्य लोगों ने भी शोक सभा में शिरकत की। गौरतलब है कि जॉन सैमुअल का गत 16 फरवरी को साइलेंट अटैक पड़ने से निधन हो गया था। और ईश्वर से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि परिवार को बात बुद्धि और शक्ति दे के उनकी कमी तो हमेशा रहेगी, परिवार को, बच्चों को, वो तो कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन हम जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम उनके साथ खड़े रहेंगे, जो भी हमारी जरूरत होगी हम उनके साथ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सैमुअल परिवार को इस दुख की घड़ी में शक्ति प्रदान करें। हम इस दुनिया में आए हैं कुछ अच्छा करने के लिए आए हैं। प्रभु ने हमें पहले ही तय कर दिया है कि जब जन्म होता है उसने किसी मकसद के लिए हमें यहाँ भेजा, जब वो मकसद पूरा हो जाता है तो हमारी वापसी अपने आप हो जाती है। तो हमेशा ही हम प्रभु का धन्यवाद करें सुबह उठकर कि प्रभु आज का दिन हमारा अच्छा हो और जो तूने मेरे से काम करवाना है मैं उस काम को कर सकूं, मुझे इतनी शक्ति प्रदान करो। करने के लिए आइए समय पर और प्रभु के दास लोग मिलकर इन परिवार के लिए प्रार्थना करते समय सभी लोग मिलकर प्रभु के दास अन्य परिवारों देता हूं।
जैसे संसार देती है वैसे मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना व्याकुल हो ना घबरा। परमेश्वर हम इस परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, आप अपनी शांति से इस परिवार को भर दीजिए और जितने भी भाई बहन लोग इस जगह में आए हैं उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। अपने दुखी परिवार के ऊपर प्रभु आप अनुग्रह कीजिए, प्रभु आप सहायता कीजिए, परमेश्वर प्रभु दया कीजिए, प्रभु दया कीजिए, परमेश्वर प्रभु के लास्ट पास शेखर जी सर हम मिलेंगे बादलों में, हम उसके संग हम रहे।